सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दिल्ली, जहां की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है, दिल्ली जहां की कानून व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार मोदी सरकार के अधीन है, वहां पिछले दिनों कई गैंग वॉर की घटनाएं दिल्ली में हुई, कोर्ट के अंदर गोलीकांड और मर्डर की घटना हुई, लेकिन अब जो शुरू हो गया है उसको जानकर आप हैरान होंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायकों पर माफियाओं के फोन आ रहे हैं, उनसे पैसे की वसूली की मांग की जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और एक दो बार नहीं है, 24-24 बार कॉल करके धमकी दी जा रही है, हत्या करने की धमकी, परिवार को साफ करने की धमकी, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख। दो घटनाओं का जिक्र आपको कर रहा हूं। 20 तारीख को, 20 जून को दिल्ली के हमारे विधायक, 3 बार से निर्वाचित विधायक संजीव झा जी, इनके पास फोन आता है एक नंबर से और इनको कहा जाता है 10 लाख रुपए कल सुबह 12 बजे तक दे देना, वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपके पूरे परिवार को साफ कर दिया जाएगा। ये 3 बार के दिल्ली के विधायक हैं संजीव झा जी, 3 बार के विधायक हैं और सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं दिल्ली में। 22 तारीख को अजय दत्त जी, जो हमारे अंबेडकर नगर से विधायक हैं, इनके पास धमकी आती है, इनसे 5 लाख रुपए की वसूली की मांग की जाती है। जब संजीव झा पे धमकी आई, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलके हमने शिकायत की, FIR हुई है इस मामले की, स्पेशल सेल को केस गया, उसके बाद भी एक दूसरे विधायक को, देखिए साहस देखिए, हिम्मत देखिए उन माफियाओं का, इतने मनबढ़ हो गए, हमारे दूसरे विधायक को 22 तारीख को धमकी दी जाती है अजय दत्त जी को। तो सबसे पहले तो मैं संजीव झा जी को जो धमकी मिली उसका एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं। प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है इनसे विधायक जी से, 3 बार के ये चुने हुए विधायक हैं, इनसे प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है, कह रहा है 10 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी दे देना, नहीं तो तुमको ठोक देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को फूंक देंगे। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वालों से अगर इतनी ज्यादा आपको परेशानी है और आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, तो एक एक करके गोली से यहां जितने विधायक हैं मार दिए जाए। जब इसी प्रकार का अराजकता का शासन चलना है, जब दिल्ली में 3-3 बार, 2-2 बार के चुने हुए विधायक सुरक्षित नहीं है, आम नागरिकों का क्या हाल होगा? और ये एक दो बार नहीं कॉल आई है,
ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय ज्यादा हो जाएगा, 24 बार कॉल आई है, 24 बार। तो मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करूंगा कि ये जो लोग भी हैं, और नंबर भी सेम है 9715075927177 +97 ये शुरू में +97150759 2717 इस नंबर से दोनों को फोन आई है, व्हाट्सएप के मैसेजेस आए हैं, धमकियां आई हैं दिल्ली के दो विधायकों को, संजीव झा अजय दत्त। अब देखिए क्या करते हैं लोग, क्या कार्रवाई करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस प्रकार की बंदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी के विधायक नेता हम सारे लोग कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन आपको कानून व्यवस्था की हालत दिल्ली के अंदर बता रहे हैं, देश की राजधानी जहां पूरी की पूरी केंद्र सरकार बैठी है, मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, पूरा गृह मंत्रालय है, वहां की हालत है, आप सोचिए। तो मैं पहले संजीव जी से चाहूंगा, उसके बाद अजय जी से चाहूंगा कि अपनी बात रखें। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा संजय भाई ने बताया कि मुझे 20 तारीख के रात को ये कॉल आया था, पहले फोन किया गया, फोन पे मैंने कहा किसी मीटिंग में है, तो फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई, और ये लगातार 20 तारीख से कल तक ये लगातार ऑडियो रिकॉर्डिंग बार बार आ रही है, फोन कॉल बार बार आ रहे हैं, मैसेजेस बार बार किया जा रहा है, और जैसा इन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन मनी की मांग की जा रही थी। हमने हालांकि 21 तारीख को ही स्पेशल सेल में अपनी शिकायत दर्ज करी और वहां FIR हुआ, ये उस FIR की कॉपी है 387 और 66C धारा के अंतर्गत FIR दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई हुई है ऐसी जानकारी नहीं है। और जैसा कि अभी संजय भाई ने बताया कि हमारे दूसरे विधायक साथी को भी इसी तरह की उसी नंबर से कॉल आया है, उनको भी उसी तरह की बातें की गई हैं। तो देखिए एक बात तो है कि हम इस तरह की धमकी से डरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि जब दिल्ली के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। तो मैं यही गृहमंत्री से निवेदन करता हूं कि कम से कम आम जनता सुरक्षित रहे, लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो, ये भय का माहौल न हो, इस पर अपनी ध्यान का आकर्षण करें और कार्रवाई करें। और देखिए ये जो अजय दत्त जी को जो धमकी मिली है, इसमें पिस्टल की वीडियो भेज रहा है, पिस्टल और गोली की वीडियो भेज रहा है वो अजय दत्त जी। देखिए ये बहुत दुखद है कि दिल्ली में हम जैसे विधायक जो काफ़ी सालों से चुन के आए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको ऐसी धमकी आ रही है। 22 तारीख को मुझे धमकी आई करीबन 11:30 बजे, व्हाट्सएप पे मैंने फ़ोन पे उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की, और फिर उन्होंने लिखित में, देखिए कितनी बड़ी बात है, लिखित में मेरा नाम, मेरे ऑफिस का एड्रेस और उसमें लिखा गया कि 5,00,000 रुपये कल 12 बजे तक मिल जाने चाहिए, और ये वीडियो भेजी गई इस तरीके से, वीडियो इसमें मैगजीन डालेंगे और उसको ठोक देंगे। फिर उन्होंने दोबारा मैसेज करने की कोशिश, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि ये है क्या। और उसके बाद फिर एक गुड मॉर्निंग और मैसेज आया। तो ये इस तरीके की धमकियाँ जो, और ये एक ही नंबर से आई है। नाम क्या? विक्की कोबरा। विक्की कोबरा अपना नाम बताता है। इसमें भी लिखा हुआ विक्की बराड लिखा हुआ, उसमें विक्की बराड लिखा, उसमें विक्की कोबरा बिच्छू सांप सब यहाँ पे। और पहले तो हमने सोचा कोई हो सकता है, क्या मारेगा हमें, हम तो सर पे कफन बांध के आए हैं आम आदमी पार्टी में जब कदम रखा है। लेकिन ये बहुत दुखद है कि अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MLA, उसको दो MLA को इस तरीके की धमकी आती है,
और पुलिस की तरफ से उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, और केंद्र सरकार की तरफ से जिसके हाथ में पुलिस है बहुत दुखद है, तो बाकी जनता का क्या हाल होता होगा वो तो बेचारे आगे बता भी नहीं सकते। तो हम ये कानून व्यवस्था व्यवस्था से बहुत दुखी हैं, और अमित शाह जी से, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से यही चाहते हैं कि क्या इस देश में, इस दिल्ली में लोग सुरक्षित हैं, और ये लोग अभी धमकी दे रहे हैं और कल को ऐसे ही धमकी औरों को मिले और किसी को मारेंगे भी अगर इस पर कार्रवाई ना हुई। तो इस मामले में भी मैं, जैसे संजीव झा जी के मामले में पुलिस कमिश्नर अस्थाना जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी, अजय दत्त जी के मामले में भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से समय लेके उनसे शिकायत करेंगे इस पूरे मामले की, और इसमें तत्काल जरूरी कार्रवाई करे प्रशासन, इसकी मांग करेंगे। सेम नंबर से, एक ही नंबर से, और नाम उनको विक्की कोबरा बताया, इनको विक्की बराड़ बताया। अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, पुलिस कह रही है हम काम कर रहे हैं। थैंक यू।